हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सपायर ग्रुप के लिए जो न्यू एग्जाम सेंटर है और एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। एडमिट कार्ड भी जल्द ही आउट होने वाले हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप का एग्जाम होने वाला है उसका जो सेंटर है वो सेंटर हम चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर RT-PCR टेस्ट है COVID-19 की वजह से वो इस एग्जाम के लिए भी लगेगी या नहीं, या फिर वैक्सीन लगवा कर जाना है या फिर नहीं। तो ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड यानी कि CASB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की वो ओपन है। यहाँ पर कुछ भी न्यू जो न्यूज़ है या फिर कुछ भी अपडेट है कुछ भी नहीं बताया गया है। आप RT-PCR टेस्ट के या फिर वैक्सीन लगवाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसकी की वजह से गाइज, इसमें तो हमें पता है, पक्का पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो हम किसी भी हालत में चेंज नहीं करवा सकते। बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो 1000 या फिर 1500 किलोमीटर्स दूर आए हैं उनके जो उन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट किए थे वहाँ से। तो गाइज, उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता है गाइज किसी भी हालत में। तो नेक्स्ट जो है RT-PCR टेस्ट, COVID-19 की वजह से जो RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ रहा है कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो यहाँ पर भी मतलब इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए भी हमें करवाना है या फिर नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं बताया है गाइज। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट इसके बारे में नहीं आया है। अगर वहाँ पर पूछ लिया आपसे कि RT-PCR टेस्ट अगर आपने किया है तो दिखा दीजिए उसका रिपोर्ट, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो अगर उन्होंने बताया कि जिन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाया है या फिर वैक्सीन लगवाई है वही अंदर जा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप वहाँ पर क्या करोगे। इसीलिए मैं ऐसे आपको बता रही हूँ या फिर आपको भी ये करना चाहिए कि आपका RT-PCR टेस्ट आपको 2 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले करवा कर उसका जो रिपोर्ट है वो आपको निकलवा लेना चाहिए। और उसी के साथ वैक्सीन जो है वो 18+ के लिए, 18+ जो भी पीपल्स हैं उन्हें वैक्सीन सभी शुरू हो चुके हैं तो आप वैक्सीन भी लगवा लें। क्योंकि अगर वहाँ पर भी उन्होंने पूछ लिया कि आपने वैक्सीन लगवाया है या फिर आपका जो रिपोर्ट है वैक्सीन का वो भी आप दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर है आपके पास तो वो आप दे सकोगे, अगर नहीं पूछा तो और भी अच्छा। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बताया तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा गाइज, आपके ही हेल्थ के लिए होगा। और आपका जो COVID-19 का टेस्ट होगा वो भी आप ले जा सकते हैं रिपोर्ट उसका, और पूछ लिया तो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसा बताया नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है गाइस। अभी जो न्यू टेक्निक्स है, न्यू जो कंप्लीट पैटर्न होने वाला है वहाँ पर एग्जाम हॉल पर, वो हमें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि कम्प्लीटली सब कुछ अभी नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें सब कुछ ध्यान में रख कर जाना, हमारा RT-PCR टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए। यानी कि कुछ भी अगर वहाँ पर पूछ लिया तो वो अगर आपके पास होगा तो आप इजीली आपका एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइज, ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये कंपलसरी तो नहीं है कि आप ले जाए, लेकिन वो आप ही की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर आपने सब कुछ वैक्सीन करवा लिया हो और RT-PCR टेस्ट भी करवा लिया हो तो वो आप ही की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो गाइज, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।